वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे हो द पंजाब लाइव। अज दा गुरबाणी कथा विचार दा विषय कि अमृत वेले उठ के ए दो शब्द बोलो, हर मनोकामना पूरी होवेगी। बहुत सारे लोगों की यह शिकायत रहिंदी है कि साडे घर विच सब उल्टा पुल्टा होई जांदे, जिवें हर काम सिरे चढ़दा चढ़दा विगड़ जांदे। कोई भी काम उन्हां दी इच्छा अनुसार नहीं हुंदा। घर दा वातावरण ते माहौल एवें दा हो गया भी अपने घर विच ही रह के जिवें दम घुटदा होवे ते सब तो मन दुखी है ते सब तो खेड़ा छुड़ाउणा चाहुंदे आ। इस सब कारणां करके किसी भी काम विच मन नहीं लगता ते मन विच कई तरह के माड़े ख्याल आउंदे ने। सारा दिन चिंता विच ही लंघदा। फिर भावें उह घर परिवार के जीआं नूं लै के क्यों ना होवे या आर्थिक हालत नूं लै के क्यों ना होवे, तां तुहानूं बस जरूरत है अमृत वेले तुसीं बस ये शब्द बोलो। आपां सब वाहिगुरू की मेहर प्राप्त करना चाहुंदे आ। इस विच तां कोई दो राहां नहीं हैगीआं। जेकर तुसीं भी वाहिगुरू जी की कृपा मेहर चाहुंदे हो तां एक बार कमेंट बॉक्स विच वाहिगुरू जी जरूर लिखो। आपां सब जाणदे आ वाहिगुरू जी अपनी निम्रता सबर ते संतोख नाल ही हमेशा अपने ते मेहर भरिया हथ बनाई रखते हैं। पर अज आपां गल करांगे भी ये शब्द बोल आपां अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं ते फिर वाहिगुरू नितनेम की दात भी बख्शनगे। जेकर तुसी अजे पढ़ते हो या तुहाडे घर कोई छोटा बच्चा है तो वह भी ये शब्द का जाप कर सकते, क्योंकि इस नाल अपना मानसिक विकास हुंदा ते इन्ना ज़्यादा वधेगा मानसिक विकास, मन इन्ना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा भी हर काम विच जित होवेगी। ते बीबियां नूं भी ये जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि वह घर की नींह हुंदियां ने ते जिन्नी नींह मजबूत होएगी उन्ना घर मजबूत ते घर स्वर्ग बनेगा। बीबियां एवें करदियां ने तां औलाद सबर संतोख वाली ते नेक हुंदी, घर हर सुख सुविधा होवेगी, रिश्ते नाते विच मिठास होवेगी, हर उस शै मिलेगी जिसकी आपां कदी सोच भी नहीं कीती होनी। आपां सब नू अपने दिन की शुरुआत तो वाहिगुरू के नाम तो ही करनी चाहिए भी सारा दिन वधिया लंघे। सवेरे उठ सब तो पहला यही शब्द बोलने चाहिए ने। इस नाल किसे तरह के मनुख के जिंदगी विच दुख दर्द नहीं रहिंदे, वह सारे दूर हो जाते हैं ते मन शांत ते हर काम फिर आप ही बनेगा। एक मन एक वरत दा जित लगे सो थाए पाई, जो चित लाए पुजे गुरमूर्त सो मन इच्छे फल पावे। एक मन एक वरत दा जित लगे सो थाए पाई, जो चित लाए पुजे गुरमूर्त सो मन इच्छे फल पावे।